जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बताया था कि मैक्रोस क्या होता है, रिकॉर्ड कैसे होता है मैक्रोस, और मैक्रोस को रन कैसे कराते हैं और उसे इनेबल कैसे करते हैं, और हमने उसमें भी आपको बताया था कि मैक्रोस के अंदर जो भी हम काम करेंगे यदि कोई सीट तैयार हो जाती, कोई डेटा बन जाता है, तो उस डेटा को हम प्रिंट कैसे करेंगे, एक्सेल के सीट को प्रिंट कैसे करते हैं, उसका सेटअप कैसे करते हैं और पीडीएफ कैसे बनाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी अभी क्या नाम है कि कुछ क्या नाम है कि उस क्लास में एक कमेंटमेंट आया था वीडियो में कि VLOOKUP क्या होता है ये बताइए, HLOOKUP क्या होता है। तो VLOOKUP क्या होता है और HLOOKUP क्या होता है, VLOOKUP में हम काम कैसे करते हैं, VLOOKUP होता क्या है, ठीक है। तो VLOOKUP के बारे में आपको बताते हैं, V का मतलब वर्टिकल होता है और H का मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि VLOOKUP आपका एक ऐसा फार्मूला है जो आपके बनाए गए डेटा के अनुसार जिस प्रकार का आपको देखना है डेटा, जैसे कि किसी का सैलरी देखना है, देखना है, या फिर उसका जो कुछ देखना है, आईडी देखना है, मोबाइल नंबर देखना है, एड्रेस देखना है, तो वी लुकअप के या फिर एच लुकअप के माध्यम से आप देख सकते हैं बड़े आसानी के तरीके से। या फिर आप किसी भी कैंडिडेट का संपूर्ण देखना चाहते हैं, पोस्ट क्या है, सैलरी क्या है, एड्रेस क्या है, उसका आईडी नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, फादर्स नेम क्या है, कि कौन सी कंपनी, मतलब कि संपूर्ण जो कुछ आप उसमें इंटर किए होंगे एक्सेल के अंदर डेटा में जो इंटर किए होंगे VLOOKUP के माध्यम से या HLOOKUP के माध्यम से आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो हम चलते हैं लेकर के आपको कंप्यूटर के सिस्टम पर, वहां पे आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि VLOOKUP होता क्या और VLOOKUP कहते किसे हैं और VLOOKUP का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सब देखो। जैसा कि दोस्तों हमने अभी बताया आपको कि VLOOKUP होता क्या, VLOOKUP कहते किसे और VLOOKUP का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। हमने एक सीट पहले से यानी कि एक डाटा बना करके पहले से रखा है जिसमें नेम है, एड्रेस है और आईडी नंबर है, पोस्ट है, सैलरी है, इंटरेस्ट है, मतलब कि इंटरेस्ट इनका क्या है, ठीक है, सैलरी क्या है, पोस्ट क्या है और आईडी नंबर क्या है। आप जिस प्रकार का डेटा चाहते हैं उस प्रकार का डेटा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा भी डेटा तैयार करना चाहते हैं डेटा को तैयार करके आप उसमें VLOOKUP और HLOOKUP का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको बेसिक भी बताएंगे और कुछ एडवांस लेवल का भी VLOOKUP आपको बताएंगे कि वो कैसे आपका काम करता है, ठीक है, ये चीज है। तो बने रहिएगा अंत तक और देखिए। तो VLOOKUP का मतलब हमने जैसे कि दोस्तों यहां पर हम इक्वल लिख करके टाइप करते हैं VLOOKUP, ऐसे VLOOKUP देखिए ऐसे आ जाता है। V का मतलब होता है वर्टिकल, वर्टिकल मतलब कि आपका जो लंबवत होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब कि कॉलम कह सकते हैं आप एक्सेल में, तो इसे कॉलम ही कहते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ खींचे जाते हैं, या फिर जो लाइन अक्षर से होकर के आती है, अक्षर के तरफ से खींच करके आती है, देखिए यहाँ से आ रही है खींच करके, तो इन्हें कॉलम कहते हैं। तो VLOOKUP किसी डेटा को वैसे ही मतलब कि ले करके आएगा कॉलम बाई कॉलम करके, यानी कि कॉलम के तरफ से ही ले करके आएगा। और HLOOKUP जैसे यहाँ पे H टाइप करते हैं, ठीक है, तो देखिए ऐसे आता है। H का मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है नंबर की तरफ से जाता है, ठीक है, जिसे रो कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके इधर से डेटा को लेकर के आएगा, ठीक है, और दोनों आपको बताएंगे कि HLOOKUP क्या होता है और VLOOKUP क्या होता है, संपूर्ण तरीके से बताएंगे आपको इसी के अंतर्गत इसी क्लास में, ठीक है, ये चीज है। तो दोस्तों जो आपका HLOOKUP होता है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल, लुक का मतलब देखना, आपका मतलब ऊपर, उसी तरीके से V का मतलब होता है वर्टिकल और लुक का मतलब देखना, आपका मतलब ऊपर, यानी कि वर्टिकल देखना, या फिर H का मतलब हॉरिजॉन्टल देखना, ठीक है, ये चीज है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए, जैसे कि मान लीजिए कि यहां पे नेम है और हमें नेम में यहां पे जो विनोद है, विनोद का हमें क्या चेक करना, आईडी नंबर चेक करना है, क्या करना है, आईडी नंबर चेक करना है विनोद का, कि विनोद की आईडी नंबर क्या है, या फिर विनोद की सैलरी क्या है, या फिर विनोद का पोस्ट क्या है, ठीक है, या फिर विनोद का इंटरेस्ट क्या है, ये हमें चेक करना। तो हम यहां पे आ जाएंगे किसी अलग सेल पे आ जाएंगे जो बिल्कुल ब्लैंक हो, खाली हो, कहीं पे भी हो, ठीक है। उसके बाद हम इक्वल लगाएंगे और यहां पे VLOOKUP ऐसे लिखेंगे। VLOOKUP लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहां पे कह रहा है लुकअप वैल्यू, क्या कह रहा है, लुकअप वैल्यू। तो हम क्या करेंगे कि लुकअप वैल्यू में हमें जो चेक करना है उसे हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे, उसे हम क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहां पे विनोद है तो हम विनोद को क्या करेंगे सिलेक्ट कर लेंगे, कामा लगा देंगे, ठीक है, कामा लगाने के बाद उसके बाद
यहाँ पे कह रहा है टेबल एरे, तो हम पूरे टेबल को क्या करेंगे यहाँ से संपूर्ण ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिर कामा लगा देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कॉल एंड इंडेक्स नंबर, यहाँ पे एक सी ओ एल लिखा है, इसका मतलब कॉल, कॉल का मतलब कि कॉलम, कॉलम का मतलब, कॉलम मतलब जो ऊपर से नीचे की तरफ खींचे जाते हैं। तो ये कह रहा है कि विनोद का क्या देखना है, एड्रेस देखना है या फिर आई डी नंबर या पोस्ट या सैलरी या इंटरेस्ट देखना है। तो हमें जो देखना है, जैसे मान लीजिए हमको विनोद का क्या देखना है कि आई डी नंबर देखना है, तो आई डी नंबर कितने नंबर पे है, यानी कि 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे, 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे 3 टाइप करेंगे, कामा लगाएंगे और 0 लिख देंगे ऐसे, ठीक है। 0 लिखने के बाद आपको कोष्टक को बंद कर देना है और इंटर प्रेस कर देना है, तो आप देखेंगे विनोद का जो आईडी नंबर है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, विनोद का आईडी नंबर देखिए GD, क्या लिखा है GD लिखा और 10455 GD 10455 है, तो यहाँ पे विनोद का आईडी नंबर बता दिया। यदि हमें विनोद का क्या चेक करना, सैलरी चेक करना है, तो हम F2 दबाएंगे, F2 से एडिट होता है और सैलरी कितने नंबर पे ये देखेंगे, 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर पे सैलरी है, तो हम यहां से बैक मतलब इसे इरेज करके मिटा करके 5 डालेंगे और कामा लगाएंगे और 0 डालेंगे और फिर इंटर प्रेस कर देंगे, तो विनोद की जो सैलरी जा रही है वो 38,000 रुपए जा रही है। यहां पे देखिए, अगर हमें विनोद का क्या चेक करना है कि मान लीजिए कि विनोद का हमें चेक करना है क्या, पोस्ट चेक करना है, तो पोस्ट कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, तो हम यहां पे 4 डालेंगे, कामा लगाएंगे, 0 लगाएंगे और इंटर करेंगे, तो पोस्ट इसका देखिए इंजीनियर के रूप में आप यहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका इंटरेस्ट चेक करना है, इंटरेस्ट क्या है, तो इंटरेस्ट आपका काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है, तो हमें यहां से मिटा करके 6 डालना और कामा लगाना है, 0 लगाना है और इंटर प्रेस कर देना है, तो इसका जो मतलब इंटरेस्ट है वो क्या है कि रीडिंग मतलब कि पढ़ने में है, ठीक है। ये चीज है, तो इस तरीके से कैसे हमने किया, इक्वल लगाया, वी लुकअप यहां से लिखा इस तरीके से और टैब बटन प्रेस करके इसे सेलेक्ट कर लिए। लुकअप वैल्यू का मतलब कि किसका देखना चाहते हैं, तो जैसे हमने विनोद को सेलेक्ट किया था, अब किसी और का चेक कर लेते हैं, जैसे कि मनीष का कर लेते हैं, कामा लगाते हैं। और टेबल एरे का मतलब संपूर्ण टेबल को सेलेक्ट करेंगे यहां से कंप्लीट तरीके से और फिर कामा लगाएंगे। और कॉलन इंडेक्स नंबर मतलब कि मनीष का क्या देखना चाहते हैं, जैसे हम इसका पोस्ट चेक करना चाहते हैं, तो पोस्ट कितने नंबर पे, 1 2 3 4 नंबर पे, हम यहां पे 4 डालेंगे और कामा डालेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 0 डाल देंगे। ये 0 और ट्रू और फॉल्स वैल्यू क्या, हम अगले आपको मतलब कि क्लास में बताएंगे कि होता क्या है, ठीक है। अभी हम इसको वी लुकअप और एच लुकअप को देखते हैं, ऐसे इंटर कर देंगे। देखिए, तो ये आपका जो हमने चेक किया था, किसका हमने चेक किया था, F2 दबा करके देख लेते हैं, हमने मनीष का चेक किया था, तो मनीष क्या है, ऑपरेटर है, हमने पोस्ट 4 डाला था। यहाँ पे आप क्लिक करके देखेंगे, क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका फॉर्मूला दिख रहा है और यहाँ पे 4 हमने डाला था, तो यहाँ पे पोस्ट दिखाई दे रहा है। अगर 4 के जगह पे हम यहाँ पे क्लिक करके यदि हम यहाँ पे क्या नाम है कि 5 डाल देते हैं ना, तो मनीष का क्या बताएगा, सैलरी बता देगा, ठीक है, कंप्लीट तरीके से। तो आपको समझ में आते हैं, यहाँ से इक्वल लगाएंगे और यहाँ से वी लुकअप लिखेंगे, टैब से इसे सेलेक्ट कर लेंगे। लुकअप वैल्यू में हम किसी जिसका चेक करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे सोनू का करना चाहते हैं सोनू को सेलेक्ट कर लिए, कामा लगा दिए। टेबल एरे में पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से कंप्लीट तरीके से, कामा लगाएंगे। और कोलन इंडेक्स नंबर का मतलब कि क्या देखना चाहते हैं सोनू का, जैसे हम इसका चेक करना चाहते हैं सैलरी, सैलरी पांचवें नंबर पे आप ऐसे 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर पे 5 डालेंगे, कामा लगाएंगे, 0 लिखेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए इसकी सैलरी किसकी, सोनू की सैलरी बताई जा रही है, ठीक है, B6 में, यानी कि आप F2 दबा के देख लेंगे, सोनू की सैलरी यहां पे बताई जा रही है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये चीज है, आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एच लुकअप क्या होता है यह देखिए, इक्वल लगाएंगे और एच लिखेंगे, लुकअप पर लिखेंगे, टैब दबा करके सेलेक्ट करेंगे, यह भी कह रहा है लुकअप वैल्यू। लेकिन एच लुकअप में हम यहां से मतलब कि सेलेक्ट नहीं करेंगे, जबकि वी लुकअप में हम सेलेक्ट इधर से कर रहे थे, सेलेक्ट इधर से कर रहे थे और काउंटिंग इधर से कर रहे थे, और एच लुकअप में सेलेक्ट इधर से करना, काउंटिंग ऐसे करना है। तो एच लुकअप में देखिए, जैसे कि मान लिया हमने इंटरेस्ट को सेलेक्ट कर लिया और कामा लगा दिया, और यहां से हम पूरे संपूर्ण टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे और क्या नाम है कि कामा लगा देंगे। यहां पे कह रहा है कि रॉ इंडेक्स नंबर,
रो आपका इधर से जा रहा है यानी कि नंबर से जा रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है, तो हम यहाँ से काउंट कर लेंगे जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे देख लेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमें अकील का देखना, अकील कितने नंबर पे है, तो काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 अकील कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, और यहाँ पे हम 4 डालेंगे, कामा लगाएंगे, 0 लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो अकील का जो इंटरेस्ट है वो मूवीज है कैसे कि इसी का है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मूवीज अकील का है संपूर्ण, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब कि एच लुकअप में आपको करना क्या है कि आपको पहले सेलेक्ट इधर से करना है, इधर से मतलब कि कॉलम की तरफ से सेलेक्ट करना, जैसे हम पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कामा, और पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से कामा, और उसके बाद आप क्या करेंगे रो इधर से आप लेंगे, क्योंकि रो आपके नंबर से होके जाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। जैसे हम संतोष का चेक करना चाहते हैं, क्या संतोष का पोस्ट चेक करना चाहते हैं, संतोष कितने नंबर पे, देखने के लिए आप यहां से काउंट करेंगे नेम से 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे है, तो 6 डालेंगे, कामा लगाएंगे, 0 डालेंगे, इंटर कर देंगे, तो ये देखिए आपका फाइनेंशियर आपका है संतोष, यहां पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे ऐसे क्लिक कर देंगे तो यहां पे दिखा देगा आपका, देखिए ये कितने मतलब कि क्या है, तो आप समझ गए होंगे कि एच लुकअप और वी लुकअप कैसे आपका काम करता है किस प्रकार से। लेकिन एक और तरीका है कैसे यूज करेंगे, देखिए देखिए जैसे जैसे कि मान लीजिए कि हम क्या नाम है कि हम किसी का भी नाम टाइप करें जो भी हमने चेक किया है, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे वी लुकअप के माध्यम से आपको बता देते हैं कि यहाँ से एक मान लीजिए कि दीपक को हमने सेलेक्ट कर लिया और कामा लगाया, पूरे टेबल को हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और फिर कामा लगाया, और उसके बाद हम कॉलन इंडेक्स नंबर में जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे पोस्ट ले लेते हैं, पोस्ट कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे ऐसे और कामा लगा के 0 लिख के इंटर प्रेस कर दिए, तो ये दीपक का आया है ना। हम चाहते हैं कि सोनू का भी हम यहाँ पे टाइप करें तो सोनू का आए, यहाँ टाइप कर तो अकील टाइप कर तो अकील का आए, और मनीष टाइप कर तो मनीष का पोस्ट आए, ऐसे हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि हम यहाँ पे नेम टाइप करें और जो हमने पोस्ट चेक किया था वो सबका पोस्ट वहाँ पे दिखाए, तो उसके लिए हम इक्वल लगाएंगे और वी लुकअप ऐसे लिखेंगे, वी लुकअप लिखने के बाद ब्लैंक सेल उसके आगे वाला आपको क्लिक कर लेना है, कामा लगा लेना है और संपूर्ण टेबल को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है कंप्लीट तरीके से, कामा लगा लेना है, और कॉलन इंडेक्स में क्या चेक करना चाहते हैं, पोस्ट चेक करना चाहते हैं, पोस्ट चौथे नंबर पे है, 1, 2, 3, 4 नंबर पे 4 डालेंगे और कामा लगाएंगे और 0 लिख करके इंटर प्रेस कर देंगे, तो हैज एन ऐसे आएगा, तो आप यहां पे आकर के जिसमें आप ब्लैंक सेल को सिलेक्ट किए थे उसमें किसी का भी नाम टाइप करेंगे, ऐसे देखिए दीपक टाइप करेंगे, दीपक का देगा पोस्ट, और आप यहां पे सोनू टाइप करें, देखिए सोनू का देगा पोस्ट, ठीक है। आप यहां पे क्या नाम है कि अकील का टाइप करें, देखिए अकील का देगा पोस्ट, दे रहा है ना, तो आप ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से आप एच लुकअप में भी कर सकते हैं, जैसे यहां पे हम इक्वल लगाएं और एच लुकअप में भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, सेलेक्ट ब्लैंक वाला कर लेना है, कामा लगाना है, पूरे टेबल को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, पूरे टेबल को कामा लगाना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रॉ इंडेक्स नंबर जैसे कि मान लें कि सोनू का ले लेते हैं, दूसरे नंबर पे 2 डालते हैं और कामा लगाते हैं, 0 प्रेस कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे एड्रेस अगर टाइप करेंगे ADDRESS इंटर प्रेस करेंगे, देखिए उसका एड्रेस बता रहा है। यदि हम यहाँ पे ID और नंबर प्रेस करते हैं, देखिए ID नंबर बता रहा है, ये एच लुकअप का, तो एच लुकअप भी ऐसे काम करेगा और वी लुकअप भी आपका ऐसे काम करेगा। यदि आप चाहते हैं कि जो यहाँ पे पोस्ट मतलब कि पोस्ट देख रहे हैं सबके, यदि पोस्ट के साथ साथ सैलरी भी दिखाई दे, ठीक है, पोस्ट के साथ साथ सैलरी भी दिखाई दे, तो उसके लिए यहाँ पे आकर के इक्वल लगाना है, फिर से वी लुकअप लिखना है आपको, वी लुकअप लिख करके इसी को सिलेक्ट करना है, कामा लगाना है और पूरे टेबल को यहां से सिलेक्ट कर लेना कंप्लीट तरीके से, कामा लगाना है, कॉलन इंडेक्स नंबर में सैलरी देखना, सैलरी 5वें नंबर पे कामा लगा देना है और सेलेक्ट करके, ठीक है, कामा लगा देना और क्या नाम है कि 0 लगा देना, इंटर कर लेना है। अब यहाँ पे किसी का भी नाम टाइप करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे मनीष टाइप कर देते हैं, मनीष इंटर करेंगे, देखिए सैलरी भी चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे संतोष टाइप करते हैं, देखिए संतोष, तो देखिए यहाँ पे आपका ये संपूर्ण आपका देखिए इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे विनोद देखिए लिख रहे हैं, विनोद, तो देखिए ये आपका क्या नाम है कि इस तरीके से क्या नाम है कि आपका पोस्ट भी चेंज हो रहा है और क्या हो रहा है कि सैलरी भी चेंज हो रही है। तो दोस्तों आपको ये तो
समझ में आ गया होगा कि VLOOKUP कैसे काम करता है और HLOOKUP काम कैसे करता है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि अगर हम किसी भी पर्सन किसी भी व्यक्ति का टोटल एड्रेस आईडी पोस्ट सैलरी और इंटरेस्ट एक साथ देखना चाहते हैं एक साथ, ठीक है, चाहे तो हम यहां देखना चाहते हैं चाहे किसी दूसरे सीट पे देखना चाहते हैं, ठीक है, तो मतलब कि किसी को भी किसी का भी नाम लिखें, उसका एड्रेस भी बताएं, उसका आईडी भी बताएं, उसका मतलब कि पोस्ट भी बताएं, उसका सैलरी भी बताएं, उसका मतलब कि इंटरेस्ट भी बताएं, ये एक साथ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको संपूर्ण हेडर को यहां से सिलेक्ट कर लेना है, ये जो हेडर दिख रहा है इसको सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल के साथ सी कर लेना है। अब जहां देखना है जहां जैसे हमको दूसरे सीट पे देखना है, यहां पे ऑलरेडी देखिए हमने यहां पे किया हुआ है, हम आपको टाइप करके दिखा देते हैं। जैसे हम यहाँ पे दीपक लिखते हैं, देखिए दीपक लिख करके ऐसे बताते हैं, देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम यही आपको बताएंगे, ठीक है, यही आपको बताएंगे, इसको हम क्लियर कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से हमने क्लियर कर दिया। और हमने सीट वन से क्या किया कि इसके हेडर को ऐसे हमने क्या किया सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लिया, और दूसरे सीट पर देखना तो दूसरे सीट पर आ करके ऐसे हम इंटर बटन दबा करके इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे इंटर बटन दबा के, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक। और हैं कि यहाँ पर किसी का नाम टाइप करें उसका सब कुछ यहां बताएं, किसी का भी नाम टाइप करें उसका सब कुछ ये बताएं, तो यहां पे हम पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे कंप्लीट, ठीक है, एक को छोड़ करके नेम वाले बॉक्स को सेल को छोड़ करके ठीक है छोड़ करके इक्वल लगाएंगे और वी लुकअप लिखेंगे ऐसे और टैब से सेलेक्ट कर लेंगे और लुकअप वैल्यू के लिए आपको ये खाली वाला जो सेल छोड़े इसको सेलेक्ट करना है और कामा लगा लेना है। अब यहां पे कह रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे हमारा सीट 1 पे है, सीट 1 पे क्लिक करेंगे यहां से और आ करके यहां पे पूरे टेबल को कंप्लीट यहां से क्या करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे और फिर कामा लगा देंगे। और यहां पे कह रहा है कॉलन इंडेक्स नंबर, तो आपको क्या लिखना है सी ओ एल लिखना है, नीचे देखेंगे ऐसे आ जाएगा, तो नीचे वाले डाउन एरो से आना है और कॉलम्स जो लिखा है इसको सिलेक्ट करके टैब दबा देना है। टैब दबाने के बाद आपको क्या करना है ऊपर से दो हेडिंग, यहां पे कह रहा है एरे, दो हेडिंग सेलेक्ट कर लेना है, हमने जो भी फॉर्मूला लगाया यहां पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, लगाने के बाद आपको कोष्टक को बंद कर देना है और पुनः फिर से कामा लगाना है ऐसे, कामा लगाने के बाद जीरो लगाना है और उसके बाद कोष्टक को फिर क्या करना बंद कर देना है और कंट्रोल दबा करके इंटर प्रेस कर देना है, तो यह कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे किसी का भी नाम टाइप करेंगे, जैसे दीपक है तो दीपक टाइप करिए, तो आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है, ठीक है, हम यहां पे मनीष टाइप कर रहे तो देखिए चेंज हो रहा है, हम यहां पे यदि अकील टाइप कर रहे देखिए चेंज हो रहा है, ठीक है, हम यहां पे देखिए विनोद टाइप कर रहे देखिए ये चेंज हो रहा है, ठीक है, और हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन किसका किसका नाम है, बिमल है, कमल है, ठीक है, सरोज है, सुनीता है, सुमन है, अमरजीत है, प्रेम है, हम यहां पे आ करके प्रेम लिखते हैं ऐसे प्रेम, ठीक है, देखिए चेंज हो रहा है, विमल लिखते हैं देखिए विमल तो चेंज हो रहा है, ठीक है, और यहां से जितने भी हैं अमरजीत यहां पे लिखते हैं ऐसे अमरजीत, तो देखिए आपका स्पेलिंग गलत है, अमरजीत का नाम गलत रहेगा तो नहीं आएगा, अमरजीत आप देख सकते हैं AMRAMARJEE यहां पे देख सकते हैं, कानपुर शायद चेंज हुआ होगा, देखिए इसमें देख लेते हैं कानपुर अमरजीत का है, जीटू तो मूवीज है सही तो चेंज हो रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आलोक लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए चेंज होगा यहाँ पे, देखिए चेंज हो रहा है ना, तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अपने क्या नाम है कि VLOOKUP को एडवांस लेवल में इस तरीके से चेक कर सकते हैं और इस तरीके से हम उसे निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।